नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं यूपी में इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके बारे में। 10 फरवरी 2022 से यूपी में इलेक्शन की शुरुआत होने वाली है और यूपी इलेक्शन का क्या रहने वाला है रिजल्ट, किस तरह से रहेगी ग्रहों की चाल, एक महीने में कितना रहेगा फ्लक्चुएशन, कहां पर होगा कितना बदलाव, इस सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करते हैं कि आखिर किसका पलड़ा रहेगा भारी, क्या योगी जी की कुर्सी बची रहेगी, क्या अखिलेश यादव जी अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे, क्या प्रियंका गांधी कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर मायावती यहां पर अपना गेम कर जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहती है ग्रहों की चाल। देखिए 10 फरवरी जो मैं आज की कुंडली देख रहा हूं यहां पर और जो मैं प्रश्न कुंडली के साथ इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने बीजेपी की कुंडली, अखिलेश यादव जी की कुंडली यहां पर, सपा की कुंडली और प्रियंका गांधी की कुंडली, योगी जी की कुंडली और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली और उत्तर प्रदेश की कुंडली, मतलब कि कितनी सारी कुंडलियों का कैलकुलेशन यहां पर मैंने अपने सामने रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद ही एक एनालिसिस आप सभी को देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए दो तीन चीजें क्लियरली दिखाई देती है। पहली चीज, बीजेपी की कुंडली जो है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पर नहीं चल रही, मतलब कि बीजेपी की कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी परेशानियां तो यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। साथ ही साथ योगी जी की अगर कुंडली देख ली जाए तो योगी जी की कुंडली में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। गुरु के राशि परिवर्तन से पहले ही इलेक्शन है और गुरु के राशि परिवर्तन से पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे। इस कारण से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन यहां पर देखने को मिलने वाली है, और क्योंकि योगी जी के लिए जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अच्छी बात यह है योगी जी की कुंडली में कि गुरु जो है वो लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि भी दे रहा है और साथ ही साथ सातवें घर को भी यहां पर प्लेस कर रहा है, तो इस कारण से गुरु का जो रोल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर अपनी दृष्टि देता हुआ नजर आ रहा है। तो योगी जी के लिए गुरु जो है वो अपने आप में एक अच्छा रोल यहां पर प्ले कर रहा है। साथ ही साथ सूर्य का राशि परिवर्तन योगी जी के लिए फायदेमंद रहेगा, मतलब कि ये जो इलेक्शंस हैं 15 तारीख के पहले पहले जहां जहां इलेक्शंस होंगे 15 फरवरी के पहले पहले वहां वहां पर योगी जी को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है, बट आफ्टर दैट यहां पर फायदे के चांसेस ज्यादा बनेंगे और उसके बाद इलेक्शन जो होंगे उसमें बीजेपी को और योगी जी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ यहां पर दिखाई देता है। तो ये एक कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव चीज यहां पर रहते हुए नजर आती है। यहां पर कांग्रेस को मैं बिल्कुल कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी की कुंडली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चल रही, साथ ही साथ कांग्रेस की कुंडली भी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चल रही। इस कारण से उन्हें इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा ना तो कोई वो मीडिएटर रोल प्ले कर पाएंगे, महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाएंगे, ना ही उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए हालांकि पिछले बार के कंपैरिजन में कुछ सीटों का इजाफा हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। लाइक पिछली बार अगर 5 सीटें थी तो इस बार 6 सीटें हो सकती हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस कांग्रेस के लिए यहां पर नहीं दिखाई देते। तो यहां से जो एक महीने का सफर रहेगा कांग्रेस का वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। इस कारण से कांग्रेस इस रेस में बहुत ज्यादा आगे नहीं दिखाई देती। इसके बाद यहां पर देखा जाए अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा टक्कर की कुंडली यहां पर दिखाई देती है और अखिलेश यादव जी भी यहां पर अपना पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांटे की टक्कर यहां पर होगी। तो जब इस तरह की चीजें यहां पर कैलकुलेशन आती है, जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली इलेक्शंस में भी मजा आता है कि डेफिनेटली एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर कौन विन होगा, कौन लूज करेगा। जैसे कि हमने एक क्यूरियोसिटी देखी थी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, जब ममता बनर्जी और पीएम मोदी आमने सामने की टक्कर पर थे और वहां पर बहुत अच्छा एडवेंचर देखने को मिला था, बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी देखने को मिली थी और रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे यहां पर देखने को मिले थे। वैसा ही कुछ इलेक्शन यूपी का भी यहां पर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और यूपी इलेक्शन में भी काफी ज्यादा एडवेंचर देखने को मिलने वाला है। ये जो इलेक्शन रहेगा ये 3 पार्ट में रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आप देखिएगा जिस तरह से अखिलेश यादव जी की कुंडली जो चल रही है, अभी इनिशियल डेज यादव जी के लिए अच्छे दिखाई देते हैं, बेनिफिशियल्स दिखाई देते हैं, मतलब कि यहां पर जो इलेक्शन होंगे अभी वो कहीं ना कहीं अच्छा रोल दे सकते हैं।
15-16 तारीख के बाद के इलेक्शन जो हैं वो योगी जी के लिए थोड़े से अच्छे आते हैं, वहां पर योगी जी को थोड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। उसके बाद 18-19 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो 19 तारीख के बाद से योगी जी का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा 23 तारीख के बाद का जो समय रहता है वो यहाँ पर यादव जी के लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन वाला समय दोनों के लिए ही यहाँ पर चल रहा है, और वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि अखिलेश यादव जी भी अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे एंड कांटे की टक्कर है तो डेफिनेटली एक अच्छी सीट्स यहाँ पर इनको यहाँ पर मिल सकती है। पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि यादव जी की सीट में इजाफा होगा और इन्हें ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा योगी जी के अगर देखा जाए तो ये भी मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इस बार बिल्कुल क्लियरली ऐसा है, कैलकुलेशन आती है कि बीजेपी की सीट्स जो रहेंगी वो पिछले बार के कंपैरिजन में कम आते हुए दिखती हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को मिल जाए इसके चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला माहौल यहाँ पर रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस तरह के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक थोड़ा सा आइडिया लगाऊं जो मेरा कैलकुलेशन कहता है तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार, क्योंकि जो मैंने थोड़ा सा कहीं एक आर्टिकल में देखा था कि 300 से ज़्यादा सीट्स बीजेपी को पिछली बार मिली थी, बट इस बार मुझे कहीं ना कहीं 50 से 70 सीटों का नुकसान होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो इस कारण से बीजेपी की सीट्स डेफिनेटली यहाँ पर डाउन ट्रेंड पर तो रहेगी ही रहेगी। यहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता बीजेपी के लिए ओपन रहता है। यहां पर मायावती जी की सीट्स जो हैं, या मायावती अगर इलेक्शन में किसी भी तरह से देखिए बैकएंड पे भी खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम होता है और वही यहां पर गेम चेंजर का काम कर रही हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग कुंडली है मायावती जी की, एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि वो इलेक्शन में नहीं है या किस तरह से उनका माइंडसेट चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं अभी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी बार रहता है कि जब आप शांत रहते हैं तो मन ही मन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जब समय पर आप बोलते हैं तो सारी कहानियाँ बदल देते हैं। कुछ उसी तरह की चीज़ इस इलेक्शन में भी यहाँ पर होने के चांसेस बनेंगे। तो एट द एंड गेम चेंजर कहीं ना कहीं मायावती जी की सीट्स रह सकती हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखना यह है कि ये सीट्स जो है वो अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करती हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट करती है। वैसे ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो बीजेपी के ही दिखाई देते हैं। ये बात यहाँ पर मैं क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर देखें तो योगी जी के चांसेस या फिर बीजेपी के चांसेस 1% ज़्यादा ही दिखाई देते हैं, कम नहीं दिखते, बट गठबंधन के साथ आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही देखना है कि आखिर किस तरह की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कितना भी इसमें चेंजेस कर लिया जाए बट जैसे मैंने पहले भी कहा था योगी जी साम दाम दंड भेंट हर तरह की नीति अपनाने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह से इलेक्शन में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को भी मिली और इसी बीच में इलेक्शंस की अब शुरुआत जो है यहाँ पर ये दिखाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही है और अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। यहीं पर अब आप देखिएगा कि चीज़ें जो हैं वो 18 तारीख के बाद यहाँ पर बिगड़ना शुरू होगी, या 18 तारीख के बाद यूपी में माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आएगा और यूपी में कहीं ना कहीं अशांति फैलने के भी चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है मेरा, इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, बट किसी रीज़न से चुनाव में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, चुनाव में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, इलेक्शंस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो वैसी ही कुछ प्रॉब्लम इस चुनाव में भी देखने को मिलती हैं, तो ये भी यहाँ पर क्लियर है। एंड एट द एंड आप देखिएगा कि एक और चीज़ है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, मतलब रूलिंग पार्टी इन द सेंस कि जो भी पार्टी विन करेगी इलेक्शंस को, उसका आगे का रास्ता मुश्किलों वाला ही रहेगा, आसानी से नहीं जाने वाले। चांसेस हैं कि योगी जी विन करेंगे और योगी जी अगर विन करते हैं तो आने वाले 6 महीने मुख्यमंत्री पद को पाने के बाद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रह सकती है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा और आप सभी ने वही चीज सुनी होगी या समझी होगी जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स्ट्रा कुछ भी मत लीजिएगा, मेरे शब्दों को गलत मत समझिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।